So good morning, friends. I welcome you all to today's lecture, revision lecture series. We started before 5 lectures back. We completed the environment and forest part of the revision module. Then again, in this lecture, from this lecture, we will start the art and culture current affairs. So, यहाँ से हम art and culture का current affairs start करने की कोशिश करेंगे. वहाँ पे हम थोड़े से topics है current affairs के from last years of art and culture. तो we will discuss it. Most as a current affairs topics as well as the उसके साथ ही हम basic जो concept है regarding the art and culture तो उसको भी थोड़ा सा revise करने की कोशिश करेंगे. So I welcome you all. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Okay, good. Okay, so we'll start the today's lecture. Okay, art and culture के अभी the art and culture is a very important topic regarding the UPSC prelims. अगर UPSC prelims के analyze करें आप अगर topics को, if you see the last year's question paper regarding the prelims के हिसाब से देखो तो there has been a continuous 4 to 5 questions regarding from the art and culture topic. तो ये बहुत important topic है और जैसे ही कह सकते हैं कि grey area से आता है. Suppose यू टेक एग्जाम्पल, कैसे भी आप प्रिपेयर करो तो यू विल स्टक विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर. तो आर्ट एंड कल्चर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर अप्रोचिंग द आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो आपके लिए उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज द करंट रिलेटेड उसका जो इम्पॉर्टेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है. तो उसको हम स्टार्ट करते हैं विद लेट्स क्रैक द यूपीएससी सीएससी एग्जाम, विच इज अन अकेडमी course started, one of the largest learning platform Unacademy is providing to crack the UPSC CSE. If you want to subscribe there is daily live classes are going on, then live tests are there, then structured courses, मतलब topic wise के हिसाब से उन्होंने courses structured किए गए हैं. तो that structured courses are also there. So they implemented this Unacademy learning app भी उन्होंने introduce किया हुआ है. तो you can download that Unacademy app and there are number of top educators are there in the Unacademy, the live courses that the polity courses, geography, more than 60,000 courses are going on Unacademy platform. So you want to get subscribed तो आपको 1 month का भी subscribe कर सकते हो, again 12 months का भी है, 6 month का भी, तो flexibility in the subscription also. If you use the referral code Aniket, then you will get a 10% of discount. अगर आप admission लेना चाहते हो plus पे as well as from iconic पे, तो आप अगर आप Aniket ये referral code use करोगे तो आपको 10% discount मिल जाएगा. तो plus courses भी है और iconic courses है. iconic courses means personalized teaching के एक platform बनाया हुआ है उन्होंने Unacademy पे, तो आप you can go for iconic courses also. So we'll start the today's lecture. Okay, good. तो हमने देखा कि आर्ट एंड कल्चर, देर हैज बीन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फोकस ऑफ यूपीएससी इन द आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर पे बहुत फोकस आ रहा है आजकल के यूपीएससी के एग्जाम. अगर आप इवेल्युएट द लास्ट ईयर क्वेश्चन, तो एज वी हैव सीन द करंट अफेयर्स बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, एज वेल एज द बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन रहते हैं. तो राइट, सो आई हैव सिलेक्टेड, वी स्टार्ट विद द फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स ये इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं और यू कैन से दैट द फेस्टिवल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मेन्स में भी और ऐसे में भी आप फेस्टिवल्स का यूज कर सकते हो. तो वी विल डिस्कस सम फेस्टिवल्स विच वेयर इन द करंट अफेयर्स. लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में कुछ फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंटली मैंशन थे, तो यूकेसी कैन आस्क क्वेश्चन, कैन फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स. ओके, वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल. हमने देखा कि लास्ट ईयर में भी करंट अफेयर्स में भी और दिस ईयर करंट अफेयर्स देर हैज बीन कंटिन्यूअस इंडियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, ये न्यूज में रहता है. तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते थे. यूपीएससी क्या करेगी, अगर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पेयर्स के हिसाब से वो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगी. अगर वो नहीं क्वेश्चन फ्रेम हो जाते तो टेक ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट्स के हिसाब से भी यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, तो उसको यूपीएससी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, कौन से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है और विच रीजन्स केम फ्रॉम, कहाँ से वो आते हैं. तो एज वी ऑल नो इंडिया इज एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, तो इंटीग्रेशन ऑफ फेस्टिवल कल्चरल पार्ट विद द इकोनॉमिक पार्ट इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. तो यहाँ से ही एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसका हार्वेस्टिंग होने के बाद देर हैज बीन अ ट्रेडिशन टू सेलिब्रेट दैट हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मतलब प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली फार्मर्स जब खुश होते हैं तो दे विल सेलिब्रेट. तो यहाँ से इंडियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स की ओरिजिन हमें पाई जाती है. तो द नंबर ऑफ इंडियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आर देयर. तो यहाँ पे एक मकर संक्रांति है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में सेलिब्रेट की जाती है, राइट. देन अगेन द उत्तरायण, उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड इन द गुजरात. हमें उत्तरायण उत्तरायण का एक काइट फेस्टिवल भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है वहां पे. देन अगेन द लोहरी, लोहरी ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द पंजाब रीजन. अगेन पंजाब में ही माघी फेस्टिवल भी है, वो भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की तरफ से देखा जाएगा. अगेन द पोंगल, पोंगल इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पोंगल, जैसे कि पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका के सदर्न पार्ट जो तमिलनाडु से रिलेटेड है वहाँ पे पोंगल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंटली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. देन भोगाली बिहू, बिहू हमें पता है कि आसाम का फेस्टिवल है लेकिन भोगाली में उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. देन किचरी, किचरी एक फेस्टिवल है जो यूपी में मनाया जाता है तो उसको भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही कहा जाता है. तो दीज आर द नंबर ऑफ फेस्टिवल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के हर एक पार्ट्स में एक स्पेशल फेस्टिवल का नाम रखा गया है, उसको सेलिब्रेट करते हैं आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन. कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन के बाद फार्मर्स, पर्टिकुलरली फार्मर्स कम्युनिटी विल सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. ओके, तो यहाँ पे यूपीएससी फ्रेम कर सकती है मैच द पेयर्स और टेक और मैन आउट के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं. और यू कैन राइट इफ क्वेश्चन केम इन द मेंस आल्सो के इंडिया का कल्चर कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से इंटीग्रेट है. तो उसको समझाने के लिए वी कैन यूज दिस एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इन द मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो. राइट, समझ में आ रहा है? ओके, देन वी विल मूव टू द, कोई क्यूरीज होगी तो आप मुझे लाइव चैट पे भेज सकते हो. ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन, दैट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो नागालैंड, नागालैंड हमको पता है कि देर हैज आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस देर हैज बिन नागालैंड हैज अ टमल्टूनियस जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन इन टू द इंडियन सोसाइटी. नागालैंड थोड़ा सा ससेशनिस्ट मूवमेंट था वहाँ पे. तो एक इम्पॉर्टेंस है हॉर्नबिल फेस्टिवल का इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से. तो वट आर द स्टेप्स विच इंडिया फॉलोड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नागालैंड विद इन द इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ पे हम हॉर्नबिल फेस्टिवल, कल्चरल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम हॉर्नबिल फेस्टिवल का एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो राइट, यहाँ ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है टू शोकेस द कल्चर ट्रेडिशन फ्रॉम द नागा सोसाइटी. ये एक इम्पॉर्टेंट है. प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट नागा फेस्टिवल दैट टू इंटीग्रेशन ऑफ नागा सोसाइटी इटसेल्फ, मतलब नागा सोसाइटी भी डिफरेंट ट्राइब्स में डिवाइडेड है. जैसे कि आंगमी नागा ट्राइब है, फिर थंगकुल नागा ट्राइब्स है, फिर उसके बाद कोयनाक नागा ट्राइब्स है. तो ये डिफरेंट नागा ट्राइब्स है विच वेयर फ्रैगमेंटेड विद इन द नागा सोसाइटी इटसेल्फ. तो उस सोसाइटी का भी इंटीग्रेशन एक हो जाए तो होमोजीनियस सोसाइटी पे, तो इसलिए भी हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है. हॉर्नबिल एक एक बर्ड है, उसका नागा कल्चरल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस है. तो फेस्टिवल हैज बीन कॉल्ड एज अ हॉर्नबिल फेस्टिवल टू पे ट्रिब्यूट टू द बर्ड. अगेन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल ए बर्ड नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, ये इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट वेदर हॉर्नबिल इज अ स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड और नॉट. तो नागालैंड का स्टेट बर्ड है ब्लाइट ट्रैगोपैन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वराइटी है बर्ड की. तो ब्लाइट ट्रैगोपैन ये नागालैंड का स्टेट बर्ड है, राइट. तो ये फेस्टिवल स्टार्ट किया कहाँ, किस मतलब कब हुआ था? तो 1963 में ही ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था. देन प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन विच वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, हु इनाग्रेटेड दिस फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो नागा सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए मेन सोसाइटी में इंडिया के ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंटली काम में आया था. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग द नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, हमें ध्यान में रखनी है. अगेन हॉर्नबिल एक मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो हॉर्नबिल बर्ड ये नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है और वेस्टर्न घाट्स में, सदर्न पार्ट रीजन में भी ये पाया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉर्नबिल बर्ड के हिसाब से. और IUCN में उसका वल्नरेबल ऐसे क्लासिफिकेशन है, तो हॉर्नबिल बर्ड हैज क्लासिफाइड अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ IUCN नॉमेनक्लेचर. ओके, ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में ध्यान में रखनी है. अगेन दिस फेस्टिवल इज
सेलिब्रेटेड इन द कियाज़मी विलेज. कियाज़मा एक विलेज है, उसे कल्चरल हेरिटेज का डिनोशन दिया गया है अंडर द नागालैंड स्टेट. कियाज़मा एक विलेज को कल्चरल हेरिटेज विलेज कहा जाता है, वहां पे ही वो एनुअली सेलिब्रेट होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल. राइट, तो यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ, वी आर यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, वील यूज इंग्लिश एंड हिंदी इन द इंटीग्रेटेड मैनर. ओके, वे देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अंबुमची मेला. अंबुमची मेला हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द कामाख्या टेम्पल ऑफ आसाम. आसाम का जो कामाख्या टेम्पल है, वेयर द गॉडेस एज अ फर्टिलिटी फॉर्म में उसकी वर्शिप की जाती है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिगार्डिंग द कामाख्या टेम्पल, विच इज सिचुएटेड इन द आसाम नीलांचल हिल, जो आसाम में है वहां पे कामाख्या टेम्पल है, वेयर गॉडेस हैज बीन वर्शिप्ड अंडर द फर्टिलिटी फॉर्म में उसकी वर्शिप की जाती है. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस चीज ये है कि ये शक्ति कल्ट रिप्रेजेंटेटिव ये टेम्पल है. यहाँ पे वी कैन सी दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिसिज्म इन द ईस्टर्न हिंदुइज्म. ईस्टर्न हिंदुइज्म, जो ईस्टर्न इंडिया का जो हिंदुइज्म है, वहां पे हम ये देख सकते हैं कि कामाख्या टेम्पल हैज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल ऑफ तांत्रिसिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द तांत्रिसिज्म एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द हिंदुइज्म एज वेल एज द बुद्धिज्म. बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को तांत्रिसिज्म ने बहुत इंपॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस किया था. तो कामाख्या टेम्पल हैज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल ऑफ ईस्टर्न तांत्रिसिज्म इन द इंडिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तांत्रिसिज्म पे यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन. तो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में अगर हम देखें और एंशिएंट इंडिया के सेक्शन में भी देखें, तो तांत्रिसिज्म पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं. तो तांत्रिसिज्म क्या है? तो यूज ऑफ तंत्र और मंत्रा, तंत्र और मंत्रा और रिचुअल्स को यूज करेंगे विद इन द जो डिवोशनरी, और जैसे कि वर्शिप पे पार्ट में हम मंत्रा तंत्र और रिचुअल्स को जब यूज करते हैं तो उसे तांत्रिसिक कहा जाता है. टू गेन द हायर पावर, हायर पावर और हायर सिद्धि, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सिद्धि, सिद्धि मिलाने के लिए तांत्रिसिज्म का बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले होता है. जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लैक मैजिक ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंटली फेमस है रिगार्डिंग द बंगाल ब्लैक मैजिक. देखे हम अगर बुद्धिस्ट का तिबेटियन बुद्धिज्म में देखे तो वहां पे भी ब्लैक मैजिक और तांत्रिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस किया गया है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को. तो अगर हिंदुइज्म की बात करें तो इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द शक्ति कल्ट. जैसे कि वहां पे एक सिंपल रिचुअलिस्टिक होता है तंत्र, मतलब एक कल्चरल फिगर बनाई जाती है वहां पे, उसको रिचुअल्स किए जाते हैं, तो उस टू अचीव द हायर और ग्रेटर पावर, टू अचीव द सिद्धि. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिद्धि इन द तांत्रिसिज्म. राइट, अगेन बुद्धिज्म को भी तांत्रिसिज्म ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था आफ्टर द फिफ्थ सेंचुरी एडी. फिफ्थ सेंचुरी के बाद बुद्धिज्म बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को तांत्रिसिज्म ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था. तो बुद्धिज्म में एक पर्टिकुलर सेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ वज्रयाना सेक्ट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द महायाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म. तो वज्रयाना ट्रेडिशन एक तांत्रिसिज्म से इन्फ्लुएंस सेक्ट है विद इन द बुद्धिज्म. तो हम अगर ईस्टर्न पार्ट की देखेंगे और तिबेटियन ट्रेडिशन को देखेंगे तो तांत्रिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंटली उन दोनों को, हिंदुइज्म को एज वेल एज बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस करता है. तो ये दो तीन चीजें हमें बहुत ध्यान में इंपॉर्टेंटली मेमोराइज करनी है रिगार्डिंग द क्वेश्चंस व्हिच विल बी इन द यूपीएससी के प्री में भी आ सकता है कि व्हाट आर द तांत्रिसिज्म और कौन से सेक्ट इन्फ्लुएंस है, और इसमें मेंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. राइट, कोई डाउट है? ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. There is one festival has been celebrated, that is the Lai Haroba festival, which is celebrated by the Metite community from the Tripura. Metite community एक tribal community है from North East India. The population Metite community का मणिपुर में बहुत ज्यादा है. Again, it is also in the neighboring part, that is the त्रिपुरा में भी आ जाती है. फिर नागालैंड में भी थोड़ा पार्ट है वो Metite community dominate करती है. तो लाई हरोबा एक फेस्टिवल है, श्रमणिक ट्रेडिशन से आता है फ्रॉम मेटाइट कम्युनिटी. एज वी सी द मेटाइट कम्युनिटी फ्रॉम नागालैंड एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णवाइट ट्रेडिशन. वैष्णवाइट ट्रेडिशन से बहुत इन्फ्लुएंस थी. बट वैष्णवाइट ट्रेडिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? आफ्टर द 15th सेंचुरी वैष्णवाइट ट्रेडिशन गेट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया वैष्णवाइट ट्रेडिशन ने आफ्टर 15th सेंचुरी. तो उससे पहले वहां पे क्या थी? उससे पहले वहां पे एंसेस्टेरियल फॉर्म, उसको श्रमणिक ट्रेडिशन कहा जाता है. वहां पे हम नेचर की वर्शिप करते हैं एज वेल एज द एंसेस्टेरियल वर्शिप.
तो लाई हरोबा ये फेस्टिवल है एज वेल एज ये एक डांस का भी टाइप है. लाई हरोबा इज अ डांस ऑल्सो. तो लाई हरोबा फेस्टिवल आता है श्रमणिक ट्रेडिशन से, राइट, बिफोर द एडवेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म और बुद्धि हिंदुइज्म. वहाँ पे जो एनिमलिस्टिक वर्शिप होती थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है लाई हरोबा फेस्टिवल. ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है. अगेन लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा एज अ फेस्टिवल एज वेल एज अ डांस टाइप भी है. ये दो इंपॉर्टेंट टाइप है. तो लाई हरोबा डांस टाइप से मणिपुरी जो क्लासिकल डांस स्टाइल है वो उसका प्रिजनेटर कहा जाता है लाइव हरोबा डांस स्टाइल को. ये भी इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान में रखना है इफ यू आर स्टडिंग फॉर अ लाइव हरोबा. तो यूपीएससी आ क्वेश्चन पूछ सकती है इस टॉपिक पे. तो लाइव हरोबा ये इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, तो एक एनिमलिस्टिक रिचुअलिस्टिक है, फिर अगेन जो ट्रेडिशंस है जैसे कि मिलिट्री ट्रेडिशन थी, मिटाइट कम्युनिटी थी, उससे भी लाई हरोबा के जो डांसिंग स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है लाइव हरोबा में. अगेन लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा डांस स्टाइल इज कंसिडर एज अ प्रीजेनेटर ऑफ मणिपुरी डांस विच इज कंसिडर एज अ क्लासिकल डांस ट्रेडिशन फ्रॉम इंडिया, राइट. तो मणिपुरी डांस स्टाइल को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. लाई हरोबा समझ में आ गया, उसके बाद थोड़ा सा मणिपुरी जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसको हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं. तो यहाँ पे वो कौन परफॉर्म करती है, तो दीज आर परफॉर्म बाय द स्पेशल प्रीस्ट. एक प्रीस्ट होते हैं उसको कहा जाता है माइबाज और माइबीज. ये दो फेमाइन पार्ट को माइबीज कहते हैं और जो मेल फॉर्म्स है उनको माइबास कहा जाता है. ओके तो दीज आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णवाइट ट्रेडिशन. मणिपुरी डांस स्टाइल ही वैष्णवाइट ट्रेडिशन से बहुत इन्फ्लुएंस होता है. अगेन सेकंड मोस्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कौन से यूज किए जाते हैं, और सिंबल्स और पुंग. पुंग एक ड्रम ड्रम फॉर्म है, ड्रम जैसे कि पखवाज जैसे होता है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक ना मणिपुरी कम्युनिटी का एक ड्रम होता है तो उसे पुंग कहा जाता है. तो उसको वो यूज करते हैं नागा मतलब ये मणिपुरी डांस स्टाइल में. तो ये दो तीन चीजें रिगार्डिंग द लाई हरोबा फेस्टिवल एज वेल एज डांस फॉर्म एंड रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस इन द मणिपुरी ट्रेडिशन. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है. तो लाई हरोबा डांस स्टाइल कहाँ से आता है, श्रवणिक ट्रेडिशन से आता है, और मणिपुरी डांस विच इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णवाइट ट्रेडिशन. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ये डिफ्रेंशिएट करती है लाई हरोबा डांस स्टाइल को एज वेल एज द मणिपुरी डांस स्टाइल को. ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द लाइव चैट. सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम आवर डिस्कशन, दैट इज संगाई फेस्टिवल. संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर में ही मटाइट कम्युनिटी ने ही सेलिब्रेट किया था. तो संगाई फेस्टिवल इसको नाम दिया गया है. दिस इज टू प्रमोट, एक स्टेट ऑर्गेनाइज फेस्टिवल है विच इज टू प्रमोट द मणिपुर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन. एज वी ऑल नो मणिपुर ऑल्सो हैव सम वायलेंट पास्ट, तो वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द संगाई फेस्टिवल इन 1990s ओनली, बट इट गॉट रिनेम्ड इन द 2012 में. उसका एक रिनेम किया गया 2010 में, उसको संगाई फेस्टिवल कहा गया. तो संगाई ये क्या है, संगाई एक एंटलर डियर है विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज फ्रॉम द मणिपुर. मणिपुर में जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसे कैबुल लेम जो कहा जाता है, वो लोकटक लेक में है. लोकटक लेक इज अ रामसर साइट विद इन द मणिपुर एज वेल एज एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी ये लोकटक लेक आ जाता है. वहां पे वर्ल्ड का एक फ्लोटिंग का नेशनल पार्क है, फर्स्ट फ्लोटिंग पार्क फ्रॉम द वर्ल्ड, उसे कैबुल लेम जो है वहां पे ये एंटलर डियर है वो पाया जाता है. तो उसके हिसाब से उसे सनगाई फेस्टिवल, एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है तो उसको फेस्टिवल को सनगाई फेस्टिवल कहा जाता है. तो संगाई फेस्टिवल में बहुत सारे मतलब कल्चरल इवेंट्स होते हैं. देन दे रिप्रेजेंटेड हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज फ्रॉम मणिपुर. देन क्यूजिन, मणिपुरी जो क्यूजिन है उसका भी वो उसके रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वहाँ पे. अगेन द इवेंट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस, वो डांस फॉर्म से मोस्टली इन्फ्लुएंस है, उसे रासलीला ट्रेडिशन से बहुत इन्फ्लुएंस है. अगेन जो डांस स्टाइल संगाई फेस्टिवल में पाए जाते हैं तो उससे रासलीला ट्रेडिशन से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. तो ये रासलीला ट्रेडिशन का क्या है, तो रासलीला ट्रेडिशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द मणिपुर हैज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णवाइट ट्रेडिशन. तो वैष्णवाइट ट्रेडिशन से ही रासलीला का डांस फॉर्म आ जाता है विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मणिपुरी क्लासिकल डांस. रासलीला ट्रेडिशन ने
मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो रासलीला क्या होती है, रासलीला डांस फॉर्म क्या है, तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णव ट्रेडिशन। अगर हम कृष्णा, गॉड कृष्णा और राधा, उनकी जो ये है उनके और उनकी सखीज, उनके इन्फ्लुएंस वो डांस करते थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस है, भागवतिज्म से इन्फ्लुएंस है ये रासलीला ट्रेडिशन। अगेन यहाँ पे जो रासलीला मतलब वैष्णव ट्रेडिशन के बीच डांस होते हैं, अगेन द ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम द मणिपुरी सोसाइटी, जैसे कि मिलिट्री टाइप ऑफ डांस स्टाइल है, जैसे कि थांगता। थांगता एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्रिस्टिक डांस स्टाइल है फ्रॉम द नाग मणिपुर। थांगता ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हैज आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द मिलिट्री टाइप ऑफ डांस स्टाइल्स विद इन द इंडिया, तो यहाँ पे थांगता आता है। और कलारिया पट्टू जो केरला का है वो भी मिलिट्री से ही इन्फ्लुएंस डांस स्टाइल है। तो यहाँ पे हम थांगता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो थांगता एज अ लिटरल वर्ड, थांगता, थांग ए सॉर्ड को कहा जाता है इन मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुरी लैंग्वेज कॉल्ड थांग इन द सॉर्ड, सॉर्ड को थांग कहा जाता है। अगेन इन नेक्स्ट पार्ट, मणिपुरी था को मणिपुरी लैंग्वेज में स्पियर कहा जाता है। तो थांगता मतलब सॉर्ड एंड स्पियर लेके जो डांस फॉर्म होता है, तो उसको थांगता कहा जाता है, राइट, इन द मणिपुरी ट्रेडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज परफॉर्म इन द संगाई फेस्टिवल फ्रॉम द मणिपुरी ट्रेडिशन इज दैट यूबी लाकपाई, एक कोकोनट से खेली जाने वाली रग्बी है, तो उसका भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे सांगबाई पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो यूबी लाकपाई ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है विच इज कोकोनट एज यूज एज अ इन द रग्बी। रग्बी में कोकोनट को यूज करके एक स्पोर्ट इवेंट कही जाती है, तो उसको यूबी लाकपाई कहा जाता है। वो संगाई फेस्टिवल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है। अगेन मणिपुर इज कंसिडर्ड एज अ ओरिजिनेटर ऑफ टूडेज मॉडर्न पोलो। जो मॉडर्न पोलो है उसका ओरिजिन हमें मणिपुर में पाया जाता है। सगोल कांगजाई ये एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो उसको मॉडर्न पोलो का प्रोजिनेटर कहा जाता है, विच इज ओरिजिनेटेड इन द मणिपुर। मणिपुर के ट्रेडिशन में ही ओरिजिनेटेड है सगोल कांगपाई, जो मॉडर्न पोलो की प्रोजिनेटर के हिसाब में भी देखा गया है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग द मणिपुर के ट्रेडिशन से और रिगार्डिंग द संगाई फेस्टिवल। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली मेमोराइज करनी है इफ यू आर स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स के रिविजन के हिसाब से। तो संगाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट फैक्ट्स जो हमने अभी देखे फ्रॉम द संगाई फेस्टिवल, राइट। कोई डाउट है? यस, इसमें मार्शल आर्ट, मिलिट्रिस्टिक जो मार्शल आर्ट था, मिलिट्रिस्टिक जो ट्रेडिशन थी फ्रॉम द नागा, जैसे कि मणिपुरी सोसाइटी, जैसे हमने देखा कि एज अ ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी अगर बात करें तो वहाँ पे जो एनिमल्स को पचारने के लिए और हंट करने के लिए जो ट्रेडिशंस थी, उसी ने उसे इन्फ्लुएंस किया है डांस स्टाइल को, तो उसको मार्शल आर्ट और उसको एक डांसिंग स्टाइल के रूप में भी देखा जाता है। ओके, देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, देन द लोसार फेस्टिवल। तो हम लड़ाकी पीपल्स के बारे में देखे, तो लड़ाक विद द लैंग्वेज ऑफ तिबेटियन पीपल्स एज वेल एज इन लड़ाके पीपल, लोसार को एक लोसार का एक लोसार को न्यू ईयर की तौर में देखा जाता है। तो लोसार एज लिटरली ट्रांसलेटेड इन टू द न्यू ईयर ऑफ लद्दाखी पीपल्स। तो ये लद्दाखी पीपल्स का न्यू ईयर फेस्टिवल है लोसार, विच इज अ 10 डेज इवेंट। तो ये 10 डेज की इवेंट होती है, एनुअल फेस्टिवल है, विच इज हाईली इंटीग्रेट एज वी नो द लद्दाखी एंड एज वेल एज द तिबेटियन कल्चर आर हाईली इन्फ्लुएंस बाय द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने रिलीजन्स बहुत इन्फ्लुएंस किए गए हैं लोसार को, तो लोसार उसका ही एक रिप्रेजेंटेटिव फेस्टिवल है। तो यहाँ पे डांस होते हैं, म्यूजिक होता है, देन क्यूजनरी फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेटिव जो तिबेटियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसको भी वो एस्टेब्लिश करते हैं, उसको भी वो परफॉर्म करते हैं इस लोसार फेस्टिवल में, राइट। तो बुद्धिज्म की अगर बात करें तो बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म जो महायाना सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसे तिबेटियन बुद्धिज्म को बहुत इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तिबेटियन बुद्धिज्म इज इन्फ्लुएंस बाय द महायाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म, राइट। तो अगेन यहाँ पे तांत्रिसिज्म का भी बहुत मतलब यूज किया जाता है तिबेटियन फेस्टिवल्स में। तो यहाँ पे हमने देखा कि वज्रयाना ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द बुद्धिज्म में, एक वज्रायना ट्रेडिशन तांत्रिसिज्म के सेक्ट को रिप्रेजेंट किया करती है। तो राइट,
तो ये दो तीन फैक्ट रिगार्डिंग द लोसार फेस्टिवल वहां पे हमें इंपॉर्टेंटली मेमोराइज करनी है। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। कोई डाउट है? मार्शल आर्ट, यस वी हैव डिस्कस्ड इट मार्शल आर्ट। ओके, तो एलिफेंटा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया था बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल फेस्टिवल है एलिफेंटा फेस्टिवल। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग द एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स के बारे में हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है रिगार्डिंग द घारापुरी आइलैंड। तो घारापुरी आइलैंड पे ये एलिफेंटा केव्स लोकेटेड है, विच इज अ रॉक रॉक कट केव्स विच इज प्रेजेंट इन द मुंबई। मुंबई के जो नेबरिंग जो आइलैंड है घारापुरी, वहाँ पे ये केव्स पाई जाती है। घारापुरी लिटरली डिनोट्स, घारा मीन्स केव्स एंड पुरी मीन्स नगर, मतलब केव्स की सिटी को घारापुरी कहा जाता है इन द लिटरल लोकल लैंग्वेज, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और एलिफेंटा केव्स के बारे में यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स का ओरिजिन कहाँ से है? विच डिनेस्टी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कार्विंग ऑफ दिस पर्टिकुलर केव्स? अगेन, ये कौन से ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करती है और कौन से टाइम में ये बनाई गई है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देर हैज बीन सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ओरिजिन, मतलब किसने बनाया एलिफेंटा केव्स को, उसके लिए कंट्रोवर्सी है वेदर इट दिस केव्स आर फ्रॉम द गुप्ता एरा और वेदर फ्रॉम द कलाचुरी डिनेस्टी, जो वेस्टर्न की जो डिनेस्टी थी सदर्न इंडिया की, तो उन्होंने वो रॉक कट केव्स को बनाया है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगेन, दिस केव्स कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महीनयाना बुद्धिज्म। पहले ये बुद्धिज्म की केव्स थी, बुद्धिज्म के जो प्रीस्ट थे वहां पर रहते थे। अगेन दैट केव्स हैज बीन ट्रांसफर्ड इन टू द शैवाइट, मतलब शैविज्म की केव्स भी वहां पे देखी जाती है। तो एलिफेंटा केव्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टू रिलीजन, फर्स्ट इज द बुद्धिज्म एज वेल एज द शैविज्म, मतलब हिंदुज्म भी बहुत इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे टू टाइप्स की केव्स पाई जाती है घारापुरी में। तो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एलिफेंटा केव्स, विच हैज बीन, मतलब उसका टाइम पीरियड जो देखे तो 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी AD में, आफ्टर द क्राइस्ट में 5th टू 6th सेंचुरी AD में ये केव्स बनाई हुई थे, राइट, विच हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हीनयाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज द शैवाइट ट्रेडिशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, मतलब हिंदुज्म की शैवाइट ट्रेडिशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंटली उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो त्रिमूर्ति शिवा की हमें एक स्कल्पचर दिखाई देगी। तो त्रिमूर्ति शिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। अगेन, वी कैन फाइंड द नटराजा स्कल्पचर ऑल्सो। जब एलिफेंटा केव्स की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेटिव है रिगार्डिंग द त्रिमूर्ति शिवा स्कल्पचर एज वेल एज द नटराजा स्कल्पचर। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग द एलिफेंटा केव्स के बारे में, तो ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ओरिजिन, टाइम और किसने उसे रॉक कट आर्किटेक्चर के फॉर्म में उसे इंट्रोड्यूस किया और किस किस रिलीजन को वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसे ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। कोई डाउट? ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। देन अदि महोत्सव हैज सेलिब्रेटेड इन द लद्दाख। लास्ट ईयर अदि महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द लद्दाख। तो अदि महोत्सव एक क्या है? विच इज अ गवर्नमेंटल इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट द ट्राइबल कल्चर। ये एक गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है टू सेलिब्रेट द ट्राइबल कल्चर। तो उसे एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के तौर पे भी देखा जाता है। द आदि महोत्सव रिप्रेजेंट द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, राइट। आदि मीन्स जो आपके पूर्वज है, ट्राइबल्स को एज वेल एज उसके लोगों को आदि कहा जाता है, तो उसको आदि महोत्सव के तौर में देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज सेलिब्रेटेड फॉर द 9 डेज। 9 डेज एक सेलिब्रेटरी इवेंट होता है विच इज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसको ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फॉर्म इन द 1987 में ट्राइफेड को बनाया गया है टू हेल्प द फाइनेंशियल एज वेल एज द मार्केट डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल्स के जो हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स है एज वेल एज द माइनर फॉरेक्स प्रोडक्ट है, उनके लिए एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्राइफेड का एस्टेब्लिश किया था। तो ये ट्राइफेड एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो दोनों ये आदि महोत्सव को एस्टेब्लिश किया हुआ है उन्होंने टू गिव द ट्राइबल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया
टू डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट. यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से ट्राइबल्स के जो प्रोडक्ट्स है एज वेल एज देयर कल्चरल इवेंट्स हैज बीन सेलिब्रेटेड विद इन द आदि महोत्सव. वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्राइबल्स है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके स्टॉल्स लगाए जाते हैं. तो लास्ट ईयर दिस आदि महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द लद्दाख. लद्दाख में ये सेलिब्रेशन हुआ था आदि महोत्सव का. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो डांस फॉर्म्स उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उन्होंने दो डांस फॉर्म्स का ऑर्गेनाइजेशन किया था. फर्स्ट वॉज द जैब्रो डांस विच इज ऑल्सो फ्रॉम द लद्दाख. लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर की जो नोमैडिक कम्युनिटीज है वो जैब्रो डांस उनका एक रिप्रेजेंटेटिव डांस फॉर्म है. तो वहाँ पे उसको एक स्टेज दिया गया था. अगेन द स्पाओ डांस, स्पाओ डांस अगेन केम फ्रॉम द लद्दाख कम्युनिटी ओनली विच इज़ टू मेमोराइज देयर हीरो. हीरो एक हीरो डांस फॉर्म है, मिलिट्री डांस फॉर्म है. तो उसे सार जो हीरो था लद्दाख का, तो उसकी मेमोरी के तौर पे वो स्पाओ डांस फॉर्म को रिप्रेजेंटेटिव किया था इस आदि महोत्सव में. तो ये दो तीन जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग द फैक्ट्स रिगार्डिंग द आदि महोत्सव. तो यूपीएससी उस फैक्ट्स पे क्वेश्चंस फॉर्म बनाकर बना सकती है क्वेश्चंस. तो राइट, कोई डाउट है? ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. तो ये तो हो गया मतलब डिफरेंट फेस्टिवल्स विच वेयर इन द न्यूज. लास्ट ईयर के कुछ न्यूज में जो फेस्टिवल्स थे उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. तो विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम दिस वीडियो, दैट इज कुछ स्कल्पचरल और आर्किटेक्चर्स जो फॉर्म्स थे वो न्यूज में थे, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो कोई डाउट होगा तो आप मुझे लाइव चैट में आप पूछ सकते हो डाउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रिस्टोरेशन ऑफ मार्कंडेश्वरा टेम्पल फ्रॉम द महाराष्ट्र. तो ये मार्कंडेश्वरा टेम्पल आर्कियोलॉजी ने उसे रिस्टोर करने के लिए स्टार्ट वर्क के लिए स्टार्ट किया गया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्कंडेश्वरा टेम्पल को खजुराहो ऑफ विदर्भा क्यों कहा जाता है. व्हाई द मार्कंडेश्वरा टेम्पल हैज कॉल्ड एज खजुराहो ऑफ विदर्भा एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नगर आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये इन दो चीजों को डिस्कस करते हैं. तो मार्कंडेश्वरा टेम्पल विच इज अ शैवाइट टेम्पल विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वैनगंगा जो रिवर है महाराष्ट्र में, ईस्टर्न महाराष्ट्र में जो विदर्भा रीजन से बहती है वहां पे मार्कंडेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है विद इन द गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ये एक इंपॉर्टेंट चीज. अगेन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ खजुराहो ऑफ विदर्भा. खजुराहो एज वी ऑल नो खजुराहो आर्किटेक्चर इज अ वेरी स्पेशल आर्किटेक्चर विद इन द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. नगरा स्टाइल में ही खजुराहो आर्किटेक्चर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आर्किटेक्चर है विच इज फॉर्म अंडर द चंदेला जो राजपूत डिनेस्टी थी. चंदेला ये रीजन से वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर्म हुआ तो उसको खजुराहो आर्किटेक्चर के रूप में देखा जाता है. मतलब चंदेला रूरल्स ने जो आर्किटेक्चरल टेम्पल्स बनाए थे विद इन द खजुराहो तो उसको खजुराहो टेम्पल्स के तौर पे देखा जाता है. तो व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ खजुराहो टेम्पल्स. खजुराहो टेम्पल्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसे वो डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट करता है कि बाकी नगरा आर्किटेक्चर ट्रेडिशन से. एज वी ऑल नो खजुराहो ट्रेडिशंस के अंडर द नगरा ट्रेडिशंस ओनली, राइट. तो खजुराहो की स्पेशलिटी क्या है, तो फर्स्ट स्पेशलिटी ऑफ खजुराहो टेम्पल इज दैट द बेस पार्ट इज अ क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर में होता है खजुराहो आर्किटेक्चर में. क्रूसीफॉर्म मतलब क्रूसीफेक्स रहता है ना, जैसे कि स्टार शेप्ड आर्किटेक्चरल जो बेस है खजुराहो टेम्पल्स का वो स्टार के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है. अगर आप डिफरेंशिएट करें अदर नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की तो वहां पे आइदर यू कैन फाइंड इज द स्क्वेयर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप आर्किटेक्चर का बेस पाया जाएगा, लेकिन खजुराहो में क्रूसीफिक्स फॉर्म का बेस पाया जाता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ खजुराहो आर्किटेक्चर इज दैट द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स इच इज स्कल्पचर्ड इन द इरोटिक फॉर्म पे. जो मोटिव्स है वो खजुराहो टेम्पल्स पे आपको पाए जाएंगे. मतलब जो मिथुना स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स विच हैज बीन देयर इन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स, ये स्पेशलिटी है खजुराहो टेम्पल्स की. तो यहाँ पे मार्कंडेश्वरा टेम्पल में भी इफ यू ऑब्जर्व द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ मार्कंडेश्वर टेम्पल यू कैन फाइंड द इरोटिक फॉर्म्स ऑफ मोटिव्स ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ
मार्कंडेश्वर टेम्पल्स, मार्कंडेश्वर टेम्पल्स के जो वॉल्स है वहां पे भी आपको इरोटिक स्टाइल के मोटिफ्स पाए जाएंगे. तो दैट्स कनेक्ट्स द मार्कंडेश्वरा टेम्पल टू द खजुराहो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर. ये समझ में आ गया. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द खजुराहो आर्किटेक्चर इज दैट इट इज रिप्रेजेंट्स द तांत्रिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म. मतलब खजुराहो में, इन द खजुराहो यू कैन फाइंड द हिंदू हिंदू रिलेटेड टेम्पल्स एज वेल एज द जैना इन्फ्लुएंस टेम्पल. हिंदुज्म के भी टेम्पल्स है और जैना के टेम्पल्स है, लेकिन हिंदुज्म के टेम्पल्स देखे तो वहां पे तांत्रिसिज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इन द खजुराहो आर्किटेक्चर में. अगर आप 64 योगिनी टेम्पल्स देखे फ्रॉम द खजुराहो, इट इज क्लियरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तांत्रिक वर्शिप विद इन द खजुराहो रीजन. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी अगर आप देखे, फोर्थ स्पेशलिटी ऑफ खजुराहो टेम्पल इज दैट खजुराहो में आपको पंचायतन स्टाइल के टेम्पल्स भी पाए जाएंगे. पंचायतन स्टाइल इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर में, जहाँ पे एक स्पेशल मेन डीटी होती है और उसके बाद में फोर उसकी सब डीटीज होती है. उसको पांच डीटीज की तौर पे उसे देखा जाए तो उसको पंचायतना स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है. तो खजुराहो इसका रिप्रेजेंटेटिव है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द खजुराहो एंड रिगार्डिंग द मार्कंडेश्वरा टेम्पल. अगर आप नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देखें तो यहाँ पे उसके डिफरेंशिएशन चार स्टाइल में होती है. उसको मंडपा कहा जाता है. द अर्लियर एंट्रेंस एंड असेंबली हॉल इच इज कॉल्ड एज अ मंडपा इन द नगरा आर्किटेक्चर. अगेन जो सैंक्टम सैंक्टोरियम होता है, मतलब यहाँ पे जो मेन डीटी बैठाई जाती है, तो उसको कहा जाता है गर्भगृह. तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. अगेन यहाँ पे जो नगरा के जो सैंक्टम सैंक्टोरियम है उसके ऊपर जो ये बनता है उसको शिखरा कहा जाता है. शिखरा इज अ पार्ट ऑफ गर्भगृह. उसके अपर पार्ट के जो ये है डोम स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर इज इज कॉल्ड एज अ शिखरा. अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अमलका एंड कलसा. तो नगरा आर्किटेक्चर को आप देखें तो ये चार रिप्रेजेंटेटिव उसके पार्ट्स है नगरा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के. तो ये समझ में आ रहा है आपको? गुड. दो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन, दैट इज कोणार्क सन ऑफ सन टेम्पल. तो कोणार्क मोनेस्ट्री ऑफ नया जो रिन्यूएबल एनर्जी है वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट अंडर द कोणार्क सन टेम्पल. तो यहाँ पे हम कोणार्क सन टेम्पल को डिस्कस करते हैं एज वेल एज वी विल डिस्कस द कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो कोणार्क सन टेम्पल कम अंडर द कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल के अंडर आता है कोणार्क. तो कोणार्क को एक ब्लैक पगोड़ा, मतलब एक सिंगल ग्रेनाइट टेम्पल है तो उसके लिए उसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, राइट. तो इट इज मतलब कार इन द 13th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया है बाय द नरसिंह देवा ऑफ गंगा डायनेस्टी. गंगा डायनेस्टी एक ओडिशा की डायनेस्टी है विच स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल इन द 13th सेंचुरी. उन्होंने, नरसिंह देवा ने ये कोणार्क सन टेम्पल को बनाने के लिए स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे हम देखें तो कोणार्क सन टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट अचीवमेंट ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर. कलिंगा आर्किटेक्चर की एक हाइएस्ट अचीवमेंट के रूप में कोणार्क सन टेम्पल को पाया जाता कहा जाता है, मतलब माने जाता है कोणार्क सन टेम्पल. तो यहाँ पे हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कलिंगा आर्किटेक्चर ये नगरा स्टाइल, मतलब नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर में उसी में ही पाया जाता है. लेकिन व्हाट देर हैज बीन सम डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर विच डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर नगरा ट्रेडिशन. नगरा ट्रेडिशन में जो डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं, जैसे कि वल्लभी ट्रेडिशन आती है, फिर हमने देखा कि खजुराहो ट्रेडिशंस आते हैं, जैसे कि चंदेला स्टाइल आती है. अगेन वी कैन सी दैट द कलिंगा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो सब ट्रेडिशन इन द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते कि व्हाट डिफरेंशिएट द कलिंगा आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे एक मोशन स्पेशल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट, इन द कलिंगा आर्किटेक्चर द मेन सैंक्टम सैंक्टोरियम, मतलब जहां पे गर्भगृह ट्रेडिशन है नगरा ट्रेडिशन में, उसको जगमोहना उसको देउल कहा जाता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द कलिंगा, गर्भगृह को वहां पे देउल कहा जाता है फर्स्ट. देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दैट द असेंबली हॉल और मंडपा, मंडपा रहते हैं जो टेम्पल में,
तो उसको जगमोहना बनाते हैं, जगमोहना कहा जाता है इन द कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द जगमोहना एज वेल एज देउला। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग द कलिंगा आर्किटेक्चर। अगेन व्हाट डिफरेंशिएट द कलिंगा आर्किटेक्चर इज दैट, तो असेंबली हॉल रहता है ना, वहां पे भी डिफरेंट टाइप्स के असेंबली हॉल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडपाज इज देयर इन द कलिंगा आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मंडपा कैन बी फाउंड इन द कलिंगा आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज द नाट्य मंडपा। नाट्य मंडपा एक ऐसे असेंबली हॉल के रूप में देखा जाता विच इज देयर टू सेलिब्रेट, मतलब डांसिंग होती थी, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट होते थे और असेंबली हॉल रहता था, तो उसको वो नाट्य मंडपा कहते थे। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द मंडपा इज दैट द भोग मंडपा। कलिंगा आर्किटेक्चर में नाट्य मंडपा और भोग मंडपा ये सेपरेट ट्रेडिशंस इवॉल्व हुई है फ्रॉम दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर नगर ट्रेडिशन। तो नाट्य मंडपा एंड भोग मंडपा ये दो इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और अगर हम शिखरा की बात करें, जो ऐसा द अपर पार्ट ऑफ ये सैंक्टम सैंक्टोरियम, उसे अपर पार्ट को शिखरा कहा जाता है, तो उसके हिसाब से भी तीन स्टाइल के आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस कलिंगा में उभर के आते हैं। तो फर्स्ट इज दैट द रेखा देउल। अगर हम बात करें रेखा देउल, तो एक मतलब इंटीरियर जो हाफ ड्राम ड्रम के टाइप में जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस इज कॉल्ड एज अ ड्रम। तो एक ड्रम सिलेंड्रिकल हॉल्स में, वर्टिकल सिलेंड्रिकल हॉल्स में जो बनाई जाते हैं, तो उसको शिखरा बनाई जाती है, तो उसको रेखा देउल करते हैं कहते हैं। अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पिद्धा देउल। पिद्धा देउल एक अगेन एक डिफरेंशिएट है शिखरा का। जब शिखरा एक पिरामिड के तौर पे, एक स्टेप्स के तौर पे बनाया जाता है, तो उसको पिद्धा देउल कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द कलिंगा आर्किटेक्चर। अगेन द थर्ड टाइप ऑफ शिखरा विच इज फॉर्म इन द कलिंगा टेम्पल्स इज दैट द खकारा देउल। खकारा देउल एक सिलेंड्रिकल है, लेकिन वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस टाइप ऑफ उसको शिखरा बनाया जाता है, तो उसको खकारा देउल कहा जाता है। तो ये डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉम द कलिंगा आर्किटेक्चर। तो ये समझ में आ रहा है कि नगरा आर्किटेक्चर और उसमें कलिंगा आर्किटेक्चर क्यों डिफरेंशिएट करता है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। सॉरी, तो यहाँ पे फर्स्ट दिस टॉपिक केम फ्रॉम द जो आर्कियोलॉजिकल ये है, आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया की, विच हैज कंसिडर्ड द चौखंडी स्तूप एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस का, जो आर्किटेक्चर है उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे हम चौखंडी स्तूपा क्या है, तो व्हाट डिफरेंशिएट द चौखंडी स्तूपा फ्रॉम द नॉर्मल स्तूपा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो इसमें हम देखेंगे तो चौखंडी स्तूपा इज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है, विच इज स्टार्टेड उसका एस्टेब्लिशमेंट 4th to 6th century आफ्टर द क्राइस्ट, उसके बाद उसका एस्टेब्लिशमेंट और उसका मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डिफरेंशिएट है। अगर नॉर्मल स्तूपा का कंपैरिजन करें तो ये स्तूपा, चौखंडी स्तूपा, बहुत डिफरेंशिएट करता है। इफ वी सी द नॉर्मल स्तूपा, इट इज कंसिडर इन अ सर्कुलर मैनर, कंस्ट्रक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर, बट ये चौखंडी स्तूपा ऑक्टेजनल मैनर में बनाया गया है। अगेन ऑक्टेजन हैज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द सिंगल डोम। ये सिंगल डोम के साइड में ही ऑक्टेजन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, तो दैट डिफरेंशिएट दिस स्तूपा फ्रॉम द नॉर्मल स्तूपा। अगर नॉर्मल स्तूपा की अगर बात करें तो नॉर्मल स्तूपा एक सर्कुलर ट्रेडिशन में रहता है। अगेन द अंडा, ये एक, सॉरी सम डिस्टर्बेंस, सम नॉइज इज देयर, बैकग्राउंड नॉइज। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे स्तूपा, तो नॉर्मल स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्तूपा के लिए थ्री टोर के मेन आर्किटेक्चरल पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज दैट द सिलेंड्रिकल माउंड। ये सिलेंड्रिकल माउंड देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अंडा। उसके अंदर जो बुद्धिज्म के जो सैक्रेड रिलिक्स है वो रखे जाते हैं। अगेन द नॉर्मल स्तूपा स्टिल कंसिडर्ड एज अ हर्मिका। ये जो अपर पार्ट के जो रिलिंग्स रहते हैं उसको हर्मिका कहा जाता है, तो और उसके ऊपर छतरी आ जाती है। अगेन दिस स्तूपाज आर
प्रोवाइडेड विद द एम्बुलेटरी, मतलब प्रदक्षिणा पथास भी वहां पे दिए गए होते हैं। तो सर्कुलर सराउंडिंग्स होते हैं उस स्तूपा के, सर्कुलर रेलिंग्स होते हैं, उसको वेदिका कहा जाता है द नॉर्मल स्तूपा में। ये स्तूपा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं। वी स्टार्टेड विद द नंदाज एज वेल एज द जो अशोका जो ये था, स्टार्टेड फ्रॉम द मौर्यन जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है टू कंस्ट्रक्ट द स्तूपा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्तूपा किस किस तौर पे बनता है, उससे स्तूपा के बनता है अंडा जो उसे सिलेंड्रिकल बाउंड है, देन वहां पे हर्मिका आता है, देन छत्री आती है, देन वेदिका आता है, और जो एंट्रेंस रहता है उसको तोरणा कहा जाता है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल स्तूपा। अगर नॉर्मल स्तूपा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है, तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? तो ये समझ में आ रहा है? गुड। कोई डाउट होगा? सॉरी। स्तूपाज डोम से शेप भी रहता है। स्तूपाज मतलब ये सैक्रेड एक रिलीजियस प्लेस था। अगर आफ्टर द मतलब जब भगवान बुद्धा का महानिर्वाण हुआ था, तो उसके बाद उनके जो रेलिक्स थे, उनके जो सैक्रेड रेलिक्स थे, वो सब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो उसके जो सैक्रेड रिलिक के ऊपर एक असेंबली हॉल जैसे बनाया गया, विच इज इन द सर्क्यूलर फॉर्म, तो उसको स्तूपा कहा जाता है। अगेन, स्तूपा आर्किटेक्चर नॉट स्टार्टेड विद द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के पहले भी स्तूपा आर्किटेक्चर मौजूद था। तो मौर्य का जो पीरियड है वहां से बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म इंस्पायर्ड पीरियड कहा जाता है। तो उससे स्तूपा की एक रिलीजियस तौर पे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हुआ था, राइट? तो एक स्तूपा एक वर्शिप भी कहा जाता है, वहां पे जाते थे डिवोटीज और वर्शिप भी करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द स्तूपा। तो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल ये न्यूज में काफी रहा हुआ है। तो बृहदेश्वरा टेम्पल रिप्रेजेंट द चोला आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द साउदर्न इंडिया। चोला आर्किटेक्चरल स्टाइल को ये रिप्रेजेंटेटिव करता है। यहाँ पे हम डिस्कस करें तो बृहदेश्वरा एक तंजावुर में स्थित टेम्पल है। अगेन द बृहदेश्वरा टेम्पल इज फ्रॉम द गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा चोलापुरम में भी एक बृहदेश्वरा टेम्पल है, लेकिन जो तंजावुर वाला मेन जो टेम्पल है, विच हैज बिन कंस्ट्रक्टेड बाय द राजराजा चोला, राजराजा चोला द फर्स्ट चोला एम्पायर, तो उन्होंने भी तंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था। अगेन द बृहदेश्वरा टेम्पल फ्रॉम द गंगईकोंडा चोलापुरम इज एस्टेब्लिश इज कंस्ट्रक्टेड बाय राजराजा चोला का जो बेटा था राजेंद्र चोला, उन्होंने बनाया हुआ। तो ये मोन डिफरेंट हमको ध्यान में रखना है। तो बृहदेश्वरा टेम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ चोला आर्किटेक्चर। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो चोला आर्किटेक्चर यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि चोला व्हाट डिफरेंशिएट द चोला आर्किटेक्चर फ्रॉम द द्रविड़ियन आर्किटेक्चर। तो द्रविड़ चोला आर्किटेक्चर एक द्रविड़ियन आर्किटेक्चर की एक हाईएस्ट अचीवमेंट के रूप में देखा जाती है, राइट? तो यहाँ पे एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है चोला आर्किटेक्चर की। तो चोला आर्किटेक्चर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द चोला आर्किटेक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पल्लवन ट्रेडिशन। पल्लवा जो कांचीपुरम के रूरल्स थे वहां से उनकी ट्रेडिशन टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस हुई है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी सी इन द चोला टेम्पल बिल्डिंग ट्रेडिशन इज दैट वी सी द गोपुराज। गोपुराज को बहुत हाईली ऑर्गेनाइज तौर पे चोलाज ने यूज किया था। तो यहाँ पे अगर देखें तो गोपुराज क्या होता है कि गोपुराज एक एंट्रेंस पार्ट होता है। अगर आप मंदिर में अगर आप टेम्पल में एंट्री करना चाहते हो तो यू विल गेट थ्रू दिस गोपुराज। जो सेंट्रल एंट्रेंस है उसको सजाया जाता है, उसकी एक कमान बनाई जाती है, तो उसको गोपुराज कहा जाता है। तो गोपुराज इज द एडिशन ऑफ टेम्पल में एक एडिशन के तौर पे चोलाज ने स्टार्ट किया था। और चोलाज के जो गोपुराज थे वो बहुत ही हाई थे, मतलब उसकी जो हाइट वगैरह थी वो काफी बड़ी हो जाती थी, रॉयल स्टाइल में बनाए जाते थे। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है विच इज स्टार्टेड बाय द चोलाज इन द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ द्रविड़ा। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन बाय द चोला रूरल इज दैट द जो एंट्रेंस रहती थी वहां पे वो द्वारपाल्स के जो स्टैच्यूज है वो चोलाज आर्किटेक्चर में आपको पाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है चोला आर्किटेक्चर का। अगेन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन बाय द चोला रूरल्स इज दैट दे स्टार्टेड टू पेंट, मतलब पेंटिंग्स रहती थी जो एक्सटीरियर वॉल ऑफ
temples which has been painted or sculptured by the Chola rulers ने paintings बनानी start कर दी exterior halls के temple के, as well as they started to curve sculpture बनाने भी start कर दिए। तो ये दो तीन important चीजें हैं regarding the चोला आर्किटेक्चर। अगेन चोला आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस द थ्री काइंड्स ऑफ मंडपा। हमने देखा कि मंडपा ट्रेडिशन, मंडपा इज अ असेंबली हॉल, जो असेंबली हॉल्स रहते थे पिलर्ड असेंबली हॉल, उसको मंडपास कहा जाता है टेम्पल्स में। तो चोलाज ने क्या किया, चोलाज ने उसको डाइसेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट असेंबली हॉल उसको कहते थे अर्ध मंडपा, विच इज केम क्लोज टू द गोपुरम। गोपुरम के जस्ट एंटर करने के बाद ही अर्ध मंडपा स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नंदी मंडपा आ जाता है, फिर उसके बाद महामंडपा आ जाता है। तो ये तीन टाइप ऑफ मंडपास हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द्रविड़ियन। द्रविड़ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसमें चोलाज ने एडिशन की थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द चोला टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये स्टाइल बनाई जाती है गोपुरम्स एज वेल एज द शिखराज। शिखराज और गोपुरम्स है वो शैडो नहीं बनाते विदिन द चोला टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट एडिशन उन्होंने की थी, मतलब उन्होंने साइंटिफिक तौर से ये कंस्ट्रक्शन बनाए हुए थे कि शैडो कौन से भी हाल में गर्भगृह पर, मतलब जहां पे मेन डायटी रिसाइड करती है वहां पे शैडो पड़े ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एडिशन है चोला आर्किटेक्चर स्टाइल की। राइट, योर राइट। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है जो टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम मामल्लपुरम, एज वी ऑल नो दैट चाइना एंड इंडिया हैज अ सम जो इनफॉर्मल समिट, इनफॉर्मल तौर पे जो समिट्स हुई थी विद इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पे उसको हम मामल्लपुरम पे हुई थी। तो मामल्लपुरम और चाइना का बहुत कनेक्शन है। जो ह्यूआन सांग था उसने मामल्लपुरम आर्किटेक्चरल साइट को विजिट करा था। तो इम्पोर्टेंटली हमें मामल्लपुरम आर्किटेक्चर स्टाइल कैसी है तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मामल्लपुरम आर्किटेक्चर और टेम्पल स्ट्रक्चर्स केम अंडर द पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये प्रोजिनेटर कहा जाता है फॉर द द्रविड़ा, द्रविड़ा आर्किटेक्चरल जो टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था विद इन द सदर्न इंडिया। तो पल्लवा आर्किटेक्चर कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस सदर्न टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिल्डिंग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान में रखना है कि पल्लवा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द द्रविड़ियन टाइप ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मामल्लपुरम जो शोर टेम्पल्स है एज वेल एज दो, तो वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाए थे इन 7th एंड 8th सेंचुरी, उसके बीच में उन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पे व्हाट डिफरेंशिएट द पल्लवा आर्किटेक्चर, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो व्हाट डिफरेंशिएट द पल्लवा आर्किटेक्चर फ्रॉम द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द पल्लवा आर्किटेक्चर दैट दे स्टार्टेड टू डेवलप द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स मतलब अर्लियर टेम्पल्स आर कार्व आउट विद इन द रॉक कट। एक रॉक कट टेम्पल बनाते थे, लेकिन दे स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश टू कंस्ट्रक्ट द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। फ्री स्टैंडिंग एक सेपरेट स्टैंडिंग टेम्पल्स, एज वी सी इन दिस स्लाइड दैट सेपरेट एक हॉल और सेपरेट एक शिखरा बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स स्टार्ट इन द द्रविड़ियन स्टाइल, स्टार्टेड इन द पल्लवा टाइप ऑफ फर्स्ट। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द पल्लवा टाइप द दे स्टार्टेड द रथा ट्रेडिशन। रथा ट्रेडिशन, रथा भी एक फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स ही है। वहां पे उन्होंने शिखराज, एज वी हैव सी द शिखरा, शिखरा इन द सदर्न स्टाइल ऑफ द्रविड़न आर्किटेक्चर में उसे विमाना कहा जाता है। तो एक पिरामिडिकल टाइप ऑफ शिखराज स्टार्टेड बाय द पल्लवा आर्किटेक्चर में ये पिरामिडिकल टाइप ऑफ शिखराज बनाना स्टार्ट हुई, तो उसे बाद में विमाना स्टाइल कहा गया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिगार्डिंग द पल्लवा ट्रेडिशन। और पल्लवास ने बहुत से मत, जैसे कि शोर टेम्पल्स यहाँ पे देखे, शोर में भी जहाँ पे फाइव रथाज, रथा टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल इनोवेशन इज देयर। अगेन यहाँ पे द्रौपदी रथा है, अर्जुना रथा है, देन धर्मराजा रथा है। तो ये शोर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में आता है। अगेन दे हैव स्टार्टेड टू बिल्ड द मेगा टाइप ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो, जैसे कि कैलाशनाथा टेम्पल ऑफ कांची विच रिप्रेजेंटेड द
हाईएस्ट अचीवमेंट फ्रॉम द पल्लव आर्किटेक्चर. तो पल्लव आर्किटेक्चर के बारे में अगर देखें तो दे कंसिडर एज अ फाउंडेशन स्टोन. अगेन दे स्टार्टेड द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल का, टेम्पल टाइप के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया. अगेन दे स्टार्टेड द शिखरा ट्रेडिशन, मतलब पिरामिडिकल शिखरा ट्रेडिशन को उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में स्टार्ट किया. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आप द्रविड़ियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को देखें तो ये दो तीन चीज़ें वहां पे आनी ही आनी चाहिए, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. दिस इज द धोलावीरा सिटी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द अपील टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनेस्को को एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट भेजी थी. तो उसमें धोलावीरा सिटी का नाम आया हुआ है, तो उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो इन द सिवि वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो धोलावीरा सिटी हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द ऑफ डिफरेंशिएट डिफरेंट सिटीज को देखें तो धोलावीरा एक इंपॉर्टेंट सिटी थी. इट इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट हरप्पन साइट. अगर आप साइट्स के बारे में देखें तो धोलावीरा मोहनजोदड़ो एज वेल एज हड़प्पा के साइज के तौर में ये मतलब उस सिमिलर साइज की धोलावीरा सिटी कहा जाता है. तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो धोलावीरा इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वो तो पाकिस्तान में चले गए, तो धोलावीरा इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट साइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया. तो धोलावीरा को लोकल लैंग्वेज में कोतड़ा टिम्बा भी कहा जाता है. कोतड़ा टिम्बा धोलावीरा को कहा जाता है और ये सिचुएटेड है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में. ये धोलावीरा का जियोग्राफिकल लोकेशन आता है. तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर धोलावीरा सिटी की देखें तो देर आर सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द धोलावीरा सिटी विच डिफरेंशिएट विच हैज अ स्पेशल इफ वी कंपेयर टू द हड़प्पा के जो डिफरेंट सिटीज थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गई, फिर कालीबंगन हो गई, फिर लोथल हो गई, फिर उसके साथ अगर धोलावीरा का कंपेयर करें तो धोलावीरा सिटी हैज अ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक. तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे अगर देखे तो एज वी ऑल नो द इंडस सिटीज हैड डिफरेंशिएटेड इन द टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. फर्स्ट इज द सिटेडल, सिटेडल होता था और उसके बाद जो लोअर पार्ट ऑफ मतलब लोअर पार्ट में वो कॉमन पीपल रिसाइड करते थे, एज वेल एज सिटाडल जो पार्ट था वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूरल्स थे वो रिसाइड करते थे. वाह, ये इंपॉर्टेंट चीज है. लेकिन अब धोलावीरा की बात करें तो द सिटी हैज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स. थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड सिटी है. फर्स्ट इज द मेन सिटाडल, देन सेकेंड इज द मिडिल सिटाडल, मिडिल टाउन उसे कहा जाता है, एंड थर्ड इज द लोअर टाउन. ये तीन पार्ट पे ये सिटी डिवाइड है. अगर हम कंपैरिजन टू हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करें तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द सिटाडल मेन पार्ट एंड अगेन द थर्ड सेकंड इज द लोअर टाउन. ये इंपॉर्टेंट चीज है विच डिफरेंशिएट द धोलावीरा फ्रॉम द अदर सिटीज. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द धोलावीरा इज दैट इट हैज अ स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर्स ये बहुत पाए गए हैं धोलावीरा में. एज वी ऑल नो जियोग्राफिकल लोकेशन अगर धोलावीरा की देखे तो रन ऑफ कच्छ पे आती है, तो ऑब्वियसली वहां पे वाटर स्कार्सिटी होगी. तो एंशियंट इंडिया से वाटर के जो स्टोरेज कैपेसिटी है और वाटर स्टोरेज जो साइंस है वो इंडिया में पैदा हुआ है. तो धोलावीरा सिटी रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर रिजर्वायर सिस्टम एज वेल एज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगेन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फ्रॉम द धोलावीरा सिटी इज दैट इन द स्क्रिप्ट का जो साइन बोर्ड है वो धोलावीरा सिटी से पाया गया है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है. जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था इन 1967 में इस सिटी को. एक्सकैवेशन स्टार्ट इन द 1967. ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. ये तो आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गया. देन वी विल मूव टू द इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स विच फेयर इन द न्यूज. लास्ट ईयर में कुछ पेंटिंग्स न्यूज में थी तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो फर्स्ट
पेंटिंग्स विच वेयर इन द न्यूज वॉज द पिथोरा पेंटिंग. ये पिथोरा पेंटिंग एक ट्राइबल पेंटिंग है विच हैज बीन विच इज प्रोड्यूस बाय द रथवा एज वेल एज बिल्लाला ट्राइब फ्रॉम द मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के जो रथवा और बिल्लाला ट्राइब्स है वहां से उन्होंने ये पेंटिंग्स का जनरेशन स्टार्ट हुआ था. तो दिस पेंटिंग इज मतलब ट्राइबल पेंटिंग्स है तो वॉल्स पे बनाए थे एज वी ऑल नो ट्राइबल स्टार्टेड टू पेंट. जब अब भीमबेट का भी की यूज करें तो वॉल्स में ही पेंटिंग बनाते थे. तो दिस टाइप ऑफ पेंटिंग्स कॉल्ड एज अ रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स. ये पेंटिंग्स रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स है. मतलब अगर आप इस पेंटिंग्स को देखें तो गॉड्स के लिए ऑफरिंग्स के तौर पे या टू थैंक द गॉड उसके लिए बनाई जाती थी. टू थैंक्स द हायर पावर को थैंक्स गिविंग्स देने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी. अगेन एज वी सी द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिथोरा पेंटिंग इज दैट इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सम. मतलब जो एवरीडे वर्क है या कोई फेस्टिवल है उसकी जब पेंटिंग्स बनाना वो स्टार्ट करते थे तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जो स्टेप है वहां से स्टार्ट करते थे एंड दे कंटिन्यू दैट पेंटिंग टू द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिचुअल. तो रिचुअल से वो फर्स्टली जहां से स्टार्ट होता था वहां से वो रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करते थे और उसके खत्म होने के बाद ही पेंटिंग्स खत्म होती थी. मगर वो रिप्रेजेंट करती थी कौन से स्टेप्स उस रिचुअल्स में या उस फेस्टिवल्स में बनाए गए थे तो उसको वो रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल्स में वो वॉल्स पे लिखते थे तो उसको पिथोरा पेंटिंग्स कहा जाता है. राइट वो ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द पिथोरा. अगेन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पट्टचित्रा पेंटिंग्स. तो ये पट्टचित्रा पेंटिंग्स ये भी इंपॉर्टेंटली न्यूज में थी. तो दिस इज अ स्क्रॉल टाइप ऑफ पेंटिंग. स्क्रॉल टाइप ऑफ पेंटिंग्स मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो पट्टा मीन्स एक क्लॉथ का टुकड़ा रहता है. जैसे कि एक क्लॉटन क्लॉथ एक कपड़े के टुकड़े पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी कपड़े के टुकड़े को कहा क्या कहा जाता था पट्टा और चित्रा को पेंटिंग. तो कपड़े के टुकड़े पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उसे पट्टचित्रा कहा जाता है और उसे स्क्रॉल पेंटिंग्स भी कहा जाता है. राइट तो दिस इज द आर्ट फ्रॉम द ओडिशा. ओडिशा में ये पट्टचित्रा ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग पट्टचित्रा इज दैट इट इज एक मतलब एक पुरी के पास पुरी जो ओडिशा में पुरी है वहां से एक विलेज आता है रघुराजपुर वहां से ही जो लोग है वो उसे चित्रकार कहा जाता है. तो ये चित्रकार कम्युनिटी है वो पट्टचित्रा बनाती है. तो इट इज पट्टचित्रा इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जगन्नाथ. ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन है विच इज इन्फ्लुएंस्ड द ओडिशन सोसाइटी. तो उसका भी इन्फ्लुएंस मिथोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अगर हम बात करें तो वैष्णवाइट ट्रेडिशन बहुत हाईली इन्फ्लुएंस है पट्टचित्रा पेंटिंग्स को. मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप देख पाएंगे जैसे आप यहाँ पे कृष्णा का मोटिफ देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंस किया गया है पट्टचित्रा ट्रेडिशंस को. सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. देन एक इंपॉर्टेंट थी बगरू ब्लॉक पेंटिंग्स. बगरू ब्लॉक पेंटिंग्स भी बहुत सारी न्यूज में चल रही थी. तो ब्लॉक पेंटिंग्स होती क्या है तो सिंपलिस्टिक फॉर्म है. एक वुडन ब्लॉक्स लिया जाता है द ब्लॉक मेड फ्रॉम वुड्स को लिया जाता है. देन अगेन द सिंपल एक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उस वुडन ब्लॉक पे. यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिफ बनाए जाते हैं वुडन ब्लॉक्स पे. और ये वुडन ब्लॉक्स एक आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरलिस्टिक पेंट में उसको सोक किया जाता है और उसके छप्पे गाड़ दिए जाते हैं क्लॉथ्स पे एज वेल एज डिफरेंट मतलब कहाँ पे भी वो पेंट करना है तो उस पर एक छाप उठा दो तो उसको ब्लॉक पेंटिंग के तौर पे देखा जाता है. तो दिस पेंटिंग्स इज फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान बगुरा पेंटिंग्स केम फ्रॉम राजस्थान. अगेन द सेम कम्युनिटी. एक कम्युनिटी अगर देखे तो उसको छिप्पा कम्युनिटी कहा जाता है मतलब छाप उठाने वाली कम्युनिटी. लिटरली हम अगर उसको ट्रांसलेट करें तो उसको छाप उठाने वाली कम्युनिटी कहा जाता है. तो राइट ब्लॉक पेंटिंग्स क्या है ये समझ में आ रहा है. तो ब्लॉक पेंटिंग्स डिफरेंट है मतलब एक ब्लॉक लो उस पर डिजाइन बनाओ उसको कलर्स में डुबाओ और उस पर एक छाप उठा दो. इसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉक पेंटिंग का. तो ब्लॉक पेंटिंग आज भी देखे तो राजस्थान में भी पाई जाती है. देन अगेन गुजरात में भी हरियाणा पंजाब में भी ब्लॉक पेंटिंग्स पाई जाती है. अगर हम बात करें जैसे कि कलमकारी पेंटिंग्स है आंध्र प्रदेश की वो भी ब्लॉक पेंटिंग्स में ही इन्फ्लुएंस होती है. कलमकारी पेंटिंग्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश की जो कलमकारी पेंटिंग्स है वो भी ब्लॉक पेंटिंग से ही ओरिजिनेट हुई है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द ब्लॉक पेंटिंग्स. अगेन वी विल मूव टू द स्क्रॉल पेंटिंग. हमने देखा कि लास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रॉल पेंटिंग्स का मेंशन हुआ था न्यूज में. तो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन
फ्रॉम द डिफरेंट स्क्रॉल पेंटिंग्स। ये स्क्रॉल पेंटिंग्स है, कौन से स्क्रॉल पेंटिंग्स है, तो और मैंस आउट के हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अगेन दे विल आस्क एज अ मैजिक फॉलोइंग प्लेयर्स, मतलब स्क्रॉल पेंटिंग्स देगी और कौन से रीजन से आती है उसके लिए मैच करने के लिए कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग सेम जो कपड़े का टुकड़ा है वहां पे बनाओ और उसको स्क्रॉलिंग के तौर पे यूज करो तो उसको स्क्रॉल पेंटिंग्स कहा जाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग्स इन इंडिया। फर्स्ट इज द कालीघाट। कालीघाट एक स्क्रॉल पेंटिंग्स है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो एरिया था वहां पे कालीघाट पेंटिंग्स बनाई जाती है बाय द पटुआज। जहाँ पे जो प्रिंटर्स रहते हैं उसको पटुआज कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिगार्डिंग द वेस्ट बंगाल। वहां पे भी ये कालीघाट वाली पेंटिंग्स भी मिथोलॉजिकल, मतलब काली जो शक्ति जो ट्रेडिशन है वेस्ट बंगाल का वहां से इन्फ्लुएंस है। देन केम्स द चेरियाल पेंटिंग। चेरियाल अगे आंध्र प्रदेश का एक विलेज है चेरियाल, वहां से जो पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग्स बनती है उसको चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स कहा जाता है। अगेन दिस पेंटिंग्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नकाशी। नकाशा मतलब नकाशा टाइप ऑफ आर्ट्स, जैसे कि अल्गोरिदमिक या जियोग्राफिक जियोमेट्रिक जो फॉर्म्स होते हैं नकाशी आर्ट उसे कहा जाता है, वहां से इन्फ्लुएंस है। और चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स एक कंटिन्यूअस पेंटिंग्स रहती है, मीन्स दे नैरेट द एक स्टेल रहता है, जैसे कि हम स्टोरी रहती है तो एक स्टोरी लेते हैं वो और उसे स्क्रॉल पेंटिंग्स में वो बनाते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी दे विल प्लेस द मोटिव, जैसे कि इवेंट्स है कोई स्टोरी के तो उसको वो चित्र बनाना उसका स्टार्ट कर देंगे। इफ स्टोरी एंड हो जाएगी तो वो चित्र भी एंड हो जाएगा। तो नैरेटिव स्केल में जो स्टोरी कही जाती है तो उसको पेंटिंग्स के तौर पे वो चेरियाल पेंटिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है रिगार्डिंग द चेरियाल पेंटिंग। अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग फ्रॉम इंडिया इज फर पेंटिंग। फर पेंटिंग एक राजस्थान के पेंटर्स है, उसको भोपाज कहा जाता है, तो वो फर पेंटिंग बनाते हैं। इट इज मोस्टली 10 to 15 फीट के जो स्क्रॉल्स है कपड़े होते हैं 10 to 15 फीट के, तो उस पे ये फर पेंटिंग्स बनाई जाती है। एंड दे यूज द वेजिटेबल कलर्स, मतलब नेचुरल कलर्स वो यूज करते हैं विद इन द फर पेंटिंग्स विच इज केम फ्रॉम द राजस्थान, राइट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ब्लॉक पेंटिंग्स ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। ट्राइबल आर्ट फॉर्म है तो उसका एक स्पेशल, मतलब कोई टाइम स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि कब इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन दे हैव इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ अदर पेंटिंग। जैसे मैंने बताया कि कलमकारी पेंटिंग्स है तो उसमें भी ब्लॉक पेंटिंग्स को यूज किया जाता है कुछ कुछ तौर पर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द ब्लॉक पेंटिंग, राइट। सो विल स्टार्ट विद विल एंड दिस लेक्चर विद द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स फ्रॉम द इंडिया। दे आर ऑल्सो ट्राइबल पेंटिंग्स लाइक मिथिला पेंटिंग। सो बिहार गवर्नमेंट ने जो रेलवे स्टेशन है उसको मधुबनी जो पेंटिंग्स है उससे रिनोवेट करना स्टार्ट कर दिया, उससे वो रिनोवेट करना चाहते हैं। तो वट आर द मिथिला पेंटिंग्स, तो मधुबनी पेंटिंग्स होती कहाँ से है, विच इज केम फ्रॉम द बिहार का जो मिथिला रीजन है वहां से आती है मधुबनी पेंटिंग्स, राइट। सो ये हैंड प्रिंटेड है, हैंड प्रिंटेड जो मोटिव्स बनाते हैं विच इज एक्सटीरियर वॉल ऑफ कोई भी घर हो जाए तो उसके एक्सटीरियर वॉल्स पे वुमेन विल स्टार्ट टू मेक अ पेंटिंग्स, उसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। तो ये दिस पेंटिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फेमाइन फीमेल के जो, मतलब जो मधुबना रीजन्स के जो वुमेन्स थी वो जो पेंटिंग्स बनाती थी उसको मधुबनी पेंटिंग्स के रूप में कहा जाता है। तो इन दिस मतलब नेक्स्ट इवोल्यूशन के बाद उसने मेल आर्टिस्ट भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग द मिथिला पेंटिंग। तो एक मिथिला पेंटिंग जो वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, एज वी नो सी दैट द माइथोलॉजिकली ऑल्सो इन्फ्लुएंस है मिथिला पेंटिंग्स। अगर मिथिला पेंटिंग्स की ओरिजिन की बात बात करें तो रामायण जो लिखा हुआ था वहाँ पे भी मिथिला पेंटिंग्स और मधुबनी पेंटिंग्स का हमें रेफरेंस पाया जाता है। तो होम के जो एक्सटीरियर वॉल पे वहाँ पे डेकोरेटिव मोटिव्स, मतलब हाथ से एक डेकोरेटिव मोटिव्स के तौर पे इमेजेस बनाई जाती थी तो उसका एक मिथिला मधुबनी पेंटिंग के रूप में पाया जाता है विच इज इन्फ्लुएंस बाय द मिथोलॉजिकल ट्रेडिशंस। अगेन फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, द डेली लाइफ्स है उसको भी वो रिप्रेजेंटेटिव्स करते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी एक, मतलब एक जगह छोड़ी हुई नहीं है उन्होंने,
अगर कोई जगह छूट जाती है तो वो उसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में या फ्लोरल फॉर्म में उसे भर जाते थे, तो पूरा का पूरा वॉल वो इस पेंटिंग से पूरा का पूरा भर देते हैं। तो मतलब कोई एक प्रॉपर कोई एक स्पेस नहीं, वैकेंट स्पेस आपको इस पेंटिंग में नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग द मधुबनी पेंटिंग्स, राइट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज द थंका पेंटिंग्स। तो एक थंका पेंटिंग्स है विच इज ओरिजिनेटेड ए बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, तिबेटियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस है विच इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटेड ऑफ थंका पेंटिंग्स। ये भी एक स्क्रॉल पेंटिंग्स ही है, मगर अगर थंका पेंटिंग्स को देखें तो वो एक स्क्रॉल पेंटिंग्स ही कही जाती है, जैसे कि वो कपड़े के एज वेल एज सिल्क के एज वेल एज कॉटन के कपड़े पे बनाई जाती है, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द थंका। प्लस दिस इज कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस पेंटिंग। अगर आप थंका पेंटिंग्स को देखें तो वहाँ पे बोधिसत्वास ट्रेडिशन, बोधिसत्वा के पिक्चर्स आपको दिखेंगे। देन अगेन देर आर डिफरेंट रिलीजियस मूवमेंट्स थे, रिलीजियस इवेंट्स थे रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो उसके भी पेंटिंग्स के रूप में आपको पाए जाएंगे। तो एक इन्फ्लुएंस, रिलीजियसली इन्फ्लुएंस पेंटिंग्स है, दैट इज द थंका पेंटिंग्स। और उसकी यूज कहाँ पे कहाँ किए जाते हैं, तो दिस पेंटिंग्स हैज बीन यूज, मतलब वो यूज करते हैं टू टीच द न्यू डिसाइपल्स। जैसे कि न्यू स्टूडेंट आ गए, उनको मॉनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जब न्यू स्टूडेंट्स एडमिशंस लेते हैं तो उनको सिखाने के लिए भी ये थंका पेंटिंग्स का यूज किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द थंका पेंटिंग है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तिबेटियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, देन हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म। अगेन इट इज यूज फॉर द टीचिंग ऑफ न्यू डिसाइपल्स। अगेन दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू रिचुअल्स, मतलब जो बुद्धिज्म्स के रिचुअल्स थे वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इस पेंटिंग्स पे। अगेन द थंका पेंटिंग्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग जैसे कि सिल्क और कॉटन के जो कपड़ा हो उसी पे ये थंका पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो राइट, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग लास्ट ईयर का आप आर्ट एंड कल्चर के देखे तो दीज 20 टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अनादर एक 20 टॉपिक्स के साथ आते हैं। वी विल डिस्कस इट एज वेल करंट अफेयर्स के बेस पे भी उसको डिस्कस करते हैं, एज वेल एज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस पे भी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उस पे क्या हो जाएगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके अंडरस्टैंड हो जाएंगे, एज वेल एज द करंट अफेयर्स पे जैसे यूपीएससी फॉर्म करती है क्वेश्चंस वो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो प्लीज ज्वाइन अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन द अन अकेडमी कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज अन अकेडमी विच इज प्रोवाइडिंग, तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड ऑफ मी दैट इज अनिके टू गेट द 10% डिस्काउंट। एज वेल एज एनी क्यूरी रिगार्डिंग द रिविजन एज वेल एज द इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर के साथ कोई भी क्यूरीज होगी तो यू कैन टेक्स्ट मी इन दिस नंबर, पर्टिकुलर नंबर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।